टीचर मिसेस निधि तिवारी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और साथ ही पीएच भी कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको पीएच दिया था, है ना बच्चों, साफ सफाई से संबंधित आपको पीएच दिया था, होम असाइनमेंट दिया था और वो आपने किया। ऐसे ही आपको पीएच करना है, पढ़ाई करना है और जो भी मैं आपको टेस्ट भेजूँगी उसे सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो आज की क्लास है हमारी दूसरी, सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम अपने हिंदी इसमें एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ बच्चों। जीवन में आप भी जैसे छोटे बच्चे को कुछ चीज़ों को देख के आपके अंदर लालसा आ जाती है, जैसे लालच आ जाता है, आप लालच के इसमें आके वो चीज़ों को हासिल करना चाहते हो और उसके लिए आप बदल भी जाते हो। जैसे कि आपको किसी ने बोला कि तुम मेरे लिए ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा दूंगा, तो ये क्या हो गया, लालच हो गया। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आज की हमारी जो कहानी है ये इसी लालच के ऊपर डिपेंड है, ये इसी लालच से संबंधित है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और इसे हम पाठ के माध्यम से जानेंगे। मैं आपके सामने पाठ पढ़कर बताऊंगी, रीड करूंगी और आपको उसका मतलब भी समझाते जाऊंगी। तो आप अपनी मेघा टेक्स्ट बुक खोल लीजिएगा। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीमती गहने। क्या टॉपिक है आज का हमारा, कीमती गहने। तो आज हम इसमें जानेंगे कि किस तरह से हमें सीखने मिलेगा कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कीमती गहने। तो बच्चों मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, आप भी अपने टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखकर सुनिएगा, ठीक है। और जो भी ना समझे उसके नीचे अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। एक थे ब्राह्मण और एक थी ब्राह्मणी। ब्राह्मण पूजा पाठ कर किसी तरह गुजर बसर चलाते थे। ब्राह्मणी चाहती थी कि वह रोज रोज सोने के नए जेवर पहने। ब्राह्मण ने सोचा किसी तरह पत्नी को खुश करना चाहिए, बस वे धन कमाने के लिए परदेश निकल पड़े। तो ये था हमारा पहला पैराग्राफ। तो देखो इस कहानी में कौन है, इस कहानी में एक ब्राह्मण है, ब्राह्मणी है और एक चुड़ैल है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊंगी, ठीक है। जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे वो लोग कैसे थे, गरीब थे और जो ब्राह्मण था लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करके गुजर बसर करता था, मतलब अपने घर को चलाता था मेहनत से। तो बच्चों आप ही जानते हो कि घर में जब पूजा पाठ रखी जाती है तो किसको निमंत्रण दिया जाता है, कौन पूजा पाठ करता है, पंडित आता है घर पे पूजा का पाठ करने के लिए, तो वो जो पंडित आता है वो ब्राह्मण होता है, ठीक है। तो ब्राह्मण किस तरह से अपने घर का गुजर बसर करता था, लोगों के घर जा जाकर पूजा पाठ करता और जो भी मिलता उससे अपना घर चला लेता था। ब्राह्मणी क्या चाहती थी, ब्राह्मणी थोड़ी शौक शौकीन वाली थी, वो चाहती थी कि वो नए वस्त्र पहने, नए नए गहने पहने, उसे वो सब कुछ मिले जिस पे सबका हक होता है, ठीक है। ब्राह्मण ने क्या सोचा, ब्राह्मण ने सोचा कि किसी तरह मैं अपनी पत्नी को खुश कर सकूं, उसकी जो इच्छा है मैं उसे पूरी कर सकूं, बस इसी वजह से वह धन कमाने के लिए परदेश निकल पड़ा, ठीक है। कहाँ निकल पड़ा बच्चों, परदेश निकल पड़ा यानी कि दूसरे देश चला गया, ठीक है। तो मैं इसमें आपको पहले कठिन शब्द दे दूँगी बच्चों। तो इसमें हमारा कठिन शब्द क्या होगा, आप चलिए तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कठिन शब्द को, ठीक है। यह है कठिन शब्द, कठिन शब्द में हम लिखेंगे जेवर, लिखेंगे जेवर, ठीक है। जेवर यानी कि गहने, ठीक है। आपने देखा होगा अपनी मम्मी को भी कि सोने के गले में चैन, हाथों में अंगूठी है कि नहीं, इस तरह के जेवर मम्मा पहनती है, पहनती है कि नहीं। तो उसी तरह की चाहत कौन रखती थी, उसी तरह की चाहत ब्राह्मणी रखती थी कि वो चाहती थी कि मुझे भी रोज रोज नए वस्त्र, रोज रोज नए गहने पहनने के लिए मिले,
है। इस तरह से मैंने आपको एक दो कठिन शब्द दिए हैं, इसी तरह से कठिन शब्द को क्या करिएगा, अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला ग्राफ कि एक ब्राह्मण थी, ब्राह्मण थी और ब्राह्मणी थी। जो ब्राह्मण क्या करता था, दूसरों के घर पर जाता था, पूजा पाठ करता था और उससे जो कुछ मिलता उससे वह घर चलाता था। और ब्राह्मणी का क्या, ब्राह्मणी की क्या इच्छा थी, उसकी पत्नी की इच्छा थी कि वह रोज रोज नए वस्त्र पहने, गहने पहने, सुंदर दिखे। तो उसके लिए जो उसका पति ब्राह्मण था, वह उसको खुश करने के लिए क्या किया, उसने धन और पैसे कमाने के लिए दूसरे देश चला गया। तो अब हम सेकेंड पैराग्राफ पे चल रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मेधा टेक्स्ट बुक की तरफ देखिएगा। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कुआं मिला। ब्राह्मण कुएं की जगत पर बैठ गए और जोर शोर से गायत्री मंत्र पढ़ने लगे। उस कुएं के अंदर एक चुड़ैल रहती थी, उसके कानों में मंत्रों की ध्वनि पड़ी। वह कुएं के बाहर आ गई और भयानक चुड़ैल से सुंदर सी परी बन गई। असल में वह एक परी ही थी और एक श्राप के कारण उसे चुड़ैल बनना पड़ा था। देखिए, अब तो निकल गया परदेश, चलते चलते उसे क्या मिला, रास्ते में एक कुआं मिला। आप चित्र में देख सकते हैं, कुआं दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण कुएं की जगत पर, जगत यानी कि उसके घेरे पर, जो साइड में जो एरिया है, जो मतलब जगह बचा है, उस पर वह बैठ गया। उसे ही जगत कहा जाता है। ब्राह्मण कुएं की जगत पर बैठ गए और जोर शोर से गायत्री मंत्र पढ़ने लगे। जोर शोर से क्या पढ़ने लगे, मंत्रों का उच्चारण करने लगे। मंत्रों का उच्चारण सुनते ही, जैसे ही उस चुड़ैल के कानों में मंत्रों की जो उच्चारण की ध्वनि गई, वैसे ही वह चुड़ैल एक सुंदर सी परी में बदल गई। क्योंकि वह सुंदर सी परी में क्यों बदल गई, क्योंकि वह एक सुंदर परी थी जो किसी के द्वारा दी गई श्राप के कारण एक चुड़ैल में परिवर्तित हो गई थी। श्राप यानी कि पैरिस के जो ऋषि मुनि थे, जो बहुत सालों से तपस्या करते थे, उनकी जब तपस्या भंग होती थी तो वो लोग जब श्राप दिया करते थे तो उनके श्राप उनको लग जाते थे। तो उसी तरह से उसको श्राप मिला रहता है और श्राप के कारण वह क्या बन चुकी रहती है, एक चुड़ैल बन चुकी रहती है। जैसे ही वह ब्राह्मण कुएं की जगत पर बैठकर मंत्रों का उच्चारण करता है, तो उस मंत्रों का उच्चारण जब उसके चुड़ैल के कानों में ध्वनि जाती है, उसे सुनकर वह क्या हो जाती है, वह चुड़ैल सुंदर सी परी में बदल जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें देखते हैं आगे कठिन शब्द। तो इसमें हम कठिन शब्द लेंगे मंत्र। मंत्र बहुत सारे होते हैं भगवान के, तो गायत्री मंत्र भी उन्हीं में से है। ठीक है, दूसरा चौथा लेंगे हम ध्वनि लेंगे। ध्वनि है ध्वनि, और पांचवा लेंगे चुड़ैल। ठीक है, तो ये थे क्या, ये थे हमारे कठिन शब्द। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या लिखना है, इसी तरह से इसे अंडरलाइन करके रखिएगा। तो अभी तक आपने क्या जाना कि ब्राह्मण कुएं की जगत पर बैठकर क्या करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, और जब उस मंत्रों की ध्वनि उस चुड़ैल के कानों में जाती है तो एक सुंदर सी परी बन जाती है, जो वास्तविकता में, जो असल में एक परी ही होती है, जिसे किसी के द्वारा श्राप मिला होता है, उस श्राप के कारण वह चुड़ैल में बदल जाती है। ठीक है, चलिए अब तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। ठीक है, ब्राह्मण परी को देखकर चकरा गए। परी ने जब उनसे वरदान मांगने को कहा तो उन्हें अपनी पत्नी का ख्याल आया। उन्होंने परी से कहा, तू मुझे ढेर सारे कीमती गहने दे दो। ठीक है, ब्राह्मण जब परी को देखता है तो उसका सर घूमने लग जाता है, चकरा गया सर का घूमना। परी ने उनसे क्या कहा कि तुम मुझसे जो मांगना चाहते हो मांग लो, क्योंकि तुमने मुझे इस श्राप से छुटकारा दिया है। आज तक मैं इसी कुएं में भटक रही थी, आज तुम्हारे गायत्री मंत्र के उच्चारण की वजह से मैं फिर से अपने असल रूप में, वास्तविकता रूप में मैं आ चुकी हूँ। आज जो भी इस रूप में मुझे मिला है वो सिर्फ, इसका कारण सिर्फ तुम हो, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तो जैसे ही वो
उस परी से, तो उसे किसका ख्याल आता है? ख्याल यानी कि याद आना। उसे अपनी पत्नी का याद आता है कि वह जानता है कि वह किस लिए आया रहता है। वह परदेश इसीलिए आता है कि बहुत सारे धन कमाऊं, ठीक है। तो क्या कहता है, उसने परी से कहा, तू मुझे ढेर सारे कीमती गहने दे दो। तो जब वो अपनी पत्नी का ख्याल करता है तो उसे याद आता है कि उसकी पत्नी की इच्छा होती है कि वो रोज रोज नए गहने पहने। इसलिए वह परी से भी अपनी पत्नी के लिए क्या मांगता है, गहने मांगता है, कहता है कि तू मुझे कीमती गहने दे दो। तो ये हमारा तीसरा पैराग्राफ है। इसमें कठिन शब्द हम लिखेंगे मांगने। ये है हमारा छठा शब्द मांगने, ठीक है। तो ये तीसरा पैराग्राफ आपको समझ में ही आ गया होगा। अब हम अपने चौथे पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। परी ने ब्राह्मण को तुरंत गहने दे दिए। परी ने ब्राह्मण को तुरंत गहने दे दिए और उनसे कहा, कुछ और मांगो। ब्राह्मण ने कहा, मुझे रूप बदलने की शक्ति भी दे दो, ठीक है। अब देखो, जैसे ही ब्राह्मण ने परी से कहा कि तू मुझे कीमती गहने दे दो, तो परी ने क्या किया, परी ने उसे कीमती गहने दे दिए और वह इतनी खुश थी कि वह चाहती थी कि उससे और भी कुछ ले, क्योंकि उसने मुझे इस श्राप से बचाया है, इस श्राप से बाहर निकाला है, तो मैं इसे और खुश करना चाहती हूँ। इसलिए वह उसे कहती है कि तुम मुझसे और कुछ मांगो। तो ब्राह्मण कहता है कि तुम, हे परी, तुम मुझे क्या दो, मुझे रूप बदलने की शक्ति दो, ठीक है। तो ये था पैराग्राफ। इसमें कठिन शब्द है हमारा शक्ति, तो हम शक्ति लिखेंगे। शक्ति हो गया, और इसमें और लिख सकते हैं तुरंत। बहुत इजी है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही है कि जो र है उस पे अनुस्वार आ रहा है तुरंत, तो अनुस्वार किस पे आएगा, र पे आएगा। तुरंत यानी कि फट से, तुरंत, जल्दी से, ठीक है। मांगो यानी कि मांगना, ठीक है। शक्ति यानी कि ताकत। तो इस तरह से हमारे कितने पैराग्राफ हुए, 1, 2, 3। अब हम चौथे पैराग्राफ पर चल रहे हैं। ये रहा हमारा चौथा पैराग्राफ, ठीक है। परी ने ब्राह्मण को यह शक्ति भी दे दी। अब ब्राह्मण गांव की ओर लौट चले, जिस वजह से ब्राह्मण अपना सब कुछ छोड़कर आए रहते हैं, और जब उन्हें यह मिल चुका रहता है तो वो क्या करेंगे, ऑफकोर्स वो अपने घर की तरफ जाएंगे। तो जैसे ही परी ने ब्राह्मण को यह शक्ति दे दी, अब ब्राह्मण गाँव की ओर लौट चले। रास्ते में उन्होंने एक सुंदर युवक का वेश धरा, ठीक है, और अपने घर जा पहुँचे। तो इसमें हम लिखेंगे गांव, लिखेंगे कठिन शब्द में, ठीक है। तो आप गांव को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। इस पर ध्यान क्या रखना है, इसमें आपको चंद्रबिंदी लगानी है। तो परी ने जब सब कुछ दे दिया उस ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण को तो जो चाहिए था, जिसके लिए वो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आया रहता है, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए जो भी लेने के लिए आया रहता है, वो तो उसे मिल चुका रहता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो अपने घर की ओर लौट जाता है और रास्ते में वह सुंदर युवक का वेश धरता है, ठीक है। वेश यानी कि वेशभूषा धारण करना, रूप बदलना, ठीक है, और अपने घर जा पहुँचता है। तो ये था हमारा चौथा पैराग्राफ। अब हम अपने अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। युवक का वेश धरे ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के पास पहुंचकर कहा, तुम्हारा पति अब कभी नहीं लौटेगा। युवक का वेश धरे ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के पास पहुंचकर कहा कि तुम्हारा पति अब कभी नहीं लौटेगा, तुम मेरे संग विवाह कर लो, सदा सुखी रहोगी। कहते हुए उन्होंने गहनों की पोटली खोलकर ब्राह्मणी को दिखा दी। देखो, अब जो युवक वेश धारण करता है, एक्चुअली जो वास्तविकता में उसका पति होता है, लेकिन वो वेश धारण करता है अपनी पत्नी को देखने के लिए कि वह क्या करती है। उसने अपना वेश क्यों बदला, क्योंकि वह अपनी पत्नी की एक तरह से परीक्षा लेता है, देखता है कि वह क्या करती है। तो जब वो युवक वेश धारण करके ब्राह्मणी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा पति अब कभी नहीं लौटेगा, अब कभी नहीं आएगा, तो तुम क्या करो, तुम मेरे साथ विवाह कर लो, तुम बहुत खुश रहो।
और यह कहते हुए उन्होंने क्या किया, गहने की पोटली खोलकर ब्राह्मणी को दिखा दी। देखो इसमें है, हम कठिन शब्द लिखेंगे, संघ लिखेंगे, पोटली भी लिख सकते हैं, तो हम वेश लिखेंगे, जो उसमें जो श है वो आपको ध्यान में आना चाहिए, श शमन वाला आएगा, ठीक है। तो युवक तो उसके घर आ जाता है और उसकी पत्नी को कहता है कि तेरा पति तो अब कभी नहीं लौटेगा, तो तुम मुझसे शादी कर लो। जो युवक रहता है वो वास्तविकता में उसकी उसका पति रहता है, लेकिन जो उसको शक्ति मिली रहती है वो उस शक्ति का प्रयोग करके वेश धारण कर चुका रहता है और अपनी पत्नी की क्या करता है, परीक्षा लेना चाहता है कि वह क्या करती है, और कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, और उसे गहने की पोटली खोलकर दिखा देता है। और ब्राह्मण, चलिए आगे पैराग्राफ में देखते हैं, ब्राह्मणी गहने को देखती रही, फिर उठाकर उन्हें आंगन के कुएं में डाल दिया। पहले तो क्या, आगे देखते हैं, रूप बदले ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या किया। देखो जैसे ही उसने युवक ने दिखाया, सारे गहने दिखाए, ब्राह्मणी ने उन गहनों को देखा और गहनों को देखकर क्या किया, उन्हें उठाकर आंगन यानी कि घर के बाहर का जो हिस्सा रहता है, तो आंगन के पास जो कुआं रहता है, उन गहनों को वहां जाकर डाल देती है, ठीक है। और यह जब वह ब्राह्मण देखता है तो आश्चर्य से पूछता है, आश्चर्य यानी कि हैरान हो जाता है कि अरे मेरी पत्नी को तो गहने बहुत पसंद थे, लेकिन वह तो उसका पति नहीं था क्योंकि उसने तो वेश धारण किया था। तो वह सोच में पड़ जाता है कि वह आखिर इतने कीमती गहने को फेंक दिया उसने, मतलब उस जो ब्राह्मणी थी उसके मन में कोई लालसा नहीं थी। तो ब्राह्मणी उससे पूछता है, हैरान हो जाता है और पूछता है कि यह तुमने क्या किया, तुमने कीमती गहने फेंक दिए। चलिए पैराग्राफ देखते हैं, ब्राह्मणी ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, जब वे ही नहीं रहे तो इन गहनों को लेकर क्या करूंगी। तो ब्राह्मणी ने क्या उत्तर दिया बच्चों, ब्राह्मणी ने कहा, जिनके लिए मुझे सजना है सवरना है, जब वही नहीं रहे, जिनसे मेरे श्रृंगार सवरती है, जिनके लिए मैं तैयार होती हूँ, जब वही नहीं रहे तो मेरे लिए ये गहने की गहने मेरे लिए कोई कीमती नहीं है। और क्या करती है, पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने फौरन अपना असली रूप धरा। जैसे ही वो अपनी पत्नी की बातों को सुनता है, जो युवक वेश धारण किया रहता है, जैसे ही वो अपनी पत्नी की बातों को सुनता है तो तुरंत क्या करता है, अपने असली रूप में आ जाता है, फौरन यानी कि तुरंत अपने असली रूप में आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। उसके बाद दोनों सारी जिंदगी खूब सुख से रहते हैं। तो इसमें जो है फौरन, इसे हम लिखेंगे कठिन शब्द में बच्चों, ठीक है, फौरन, तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, फौरन यानी कि तुरंत, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो ब्राह्मण रहता है, जिसने अपनी पत्नी की परीक्षा ली, क्योंकि वो जानता है कि उसकी पत्नी को सोने बहुत पसंद रहते हैं, इसलिए वो उसकी परीक्षा लेना चाहता है कि मैं वेश धारण करके आकर देखता हूँ कि अगर मैं इसे यह लालसा दे दूँ तो क्या यह ले लेती है क्या। लेकिन नहीं, जो ब्राह्मणी रहती है वो कैसी रहती है, वो बहुत ही अच्छी रहती है। हाँ, उसे सोने के जेवर पसंद होते हैं, लेकिन उसे लालच नहीं होता है। वह कहती है कि जब मेरे पति ही नहीं तो मेरे लिए इन गहनों का मूल्य जीरो है, इसकी कोई कीमत नहीं। तो बच्चों, आपको भी क्या करना चाहिए, आपके जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच में हम भटक जाते हैं, गलत रास्तों पर चले जाते हैं, सही रास्ता नहीं निकलता। अगर आप लालच ना करो तो आप जीवन में कहीं भी नहीं अटकोगे, कहीं भी नहीं फंसोगे, सब में आपको रास्ता मिलते जाएगा बच्चों। तो आपको क्या करना है, इस लेसन को 2 या 3 बार पढ़ना है इसी तरह से, ठीक है, और इस लेसन को 2 या 3 बार पढ़िएगा और कठिन शब्द को अंडरलाइन करिएगा, और जो कुछ ना समझे वो लाइव सेशन के टाइम अंडरलाइन किए हुए शब्दों को पूछिएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा।